स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम एक्सरसाइज 6 ए से करने वाले हैं क्वेश्चन 7, क्योंकि लास्ट वीडियो में हमने अब तो क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 28, 53, 19, 35 सो दैट दे आर इन प्रोपोर्शन। तो अभी इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 था ना, इसका जस्ट अपोजिट था कि व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड। तो सेम तरह से करेंगे, बस यहाँ पे जो एडेड था एक्स वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर देंगे हर एक नंबर से। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, क्या हो जाएगा, लेट एक्स बी द नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। तो देयरफॉर 28 माइनस एक्स कॉमा 53 माइनस एक्स कॉमा 19 माइनस एक्स कॉमा 35 माइनस एक्स आर इन प्रोपोर्शन। यही बात कह रहा है, कह रहा है कि नंबर सब्ट्रैक्ट होने के बाद क्या होगा, सब में से एक नंबर है जो कि सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो सब क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शन में, चारों नंबर हमको प्रोपोर्शन में मिलेंगे। तो एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया यानी कि अब जो है सारे प्रोपोर्शन में हो गए। तो देयरफॉर 28 माइनस एक्स अपॉन में 53 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स अपॉन में 35 माइनस एक्स। अब यहाँ पे कितना हो जा रहा, मल्टीप्लाई होगा 28 माइनस एक्स किस से, 35 माइनस एक्स से, इक्वल होगा 19 माइनस एक्स और 53 माइनस एक्स के। अब यहाँ पे देखो 28 इंटू 35 980 हो जाएगा, माइनस 28x माइनस 35x और माइनस माइनस प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 इंटू 53 करेंगे तो 1007 आएगा, माइनस 19x माइनस 53x और माइनस माइनस यहाँ पे भी आ जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर। अब दोनों साइड पॉजिटिव में एक्स स्क्वायर है तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देगा इस एक्स स्क्वायर को, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना है यहाँ पे 980 माइनस 35 और 58 कितना आ जाएगा 58 13 63 एक्स और ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारा 1007 और माइनस 3 12 72x के, ठीक है। तो अब यहाँ से क्लियरली तुमको क्या मिल जाएगा कि 72x को इधर लेते आते हैं तो माइनस में 63x और 1007 माइनस में 980 कितना आया 9x इज इक्वल टू, इसको माइनस करने पे कितना आएगा 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 27 अपॉन में एंड 9 दैट इज इक्वल टू 3। तो यानी कितना नंबर है 3, 3 को क्या करेंगे, तो यानी 3 इज द नंबर विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 28, 53, 19, 35 टू गेट इट इन प्रोपोर्शन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में दो पार्ट हैं। फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 14 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 112, ठीक है। और फिर नेक्स्ट में कह रहा है कि फाइंड टू नंबर्स सच दैट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन देम इज 18 एंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू देम इज 144। दोनों क्वेश्चन सिमिलर हैं एक दूसरे के, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं, लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ठीक, ए और बी हमने जो है दो नंबर ले लिए, अच्छा, हुज मीन प्रोपोर्शनल, जिसका मीन प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 14 एंड थर्ड प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड प्रोपोर्शनल इज इक्वल टू 112। ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन में गिवन था। तो देयरफॉर अगर मीन प्रोपोर्शनल कितना है 14 तो अंडर रूट ए बी विल बी इक्वल टू 14, ठीक है। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी,
यानी कि क्या होता है, b इज इक्वल टू रूट ए सी होता है ना, तो उसी तरीके से a और b हमने नंबर लिया है तो अंडर रूट ए बी लेंगे तो उसका मीन प्रोपोर्शनल कितना आना चाहिए, 14 आना चाहिए, ठीक है। तो रूट ए बी इक्वल टू 14 इसी फॉर्मूले से हमने लिया है, तो यहाँ से ए बी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 का स्क्वायर यानी ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 196। ए इंटू बी की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से भी किसी एक की वैल्यू निकालो, तो अगर ए की वैल्यू निकालें तो 196 बाई बी इस फॉर्म में आ जा रहा है। अब यहाँ पे आ गया तुम्हारा, अब इसके बाद थर्ड प्रोपोर्शनल को बोला था कि 112 है ना, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 112। थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, बी स्क्वायर अपॉन में ए से, ये इक्वल होगा किसके, 112 के। तो ठीक है, बी स्क्वायर की जगह बी स्क्वायर रख देते हैं और ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 196 अपॉन में बी पुट कर देंगे इक्वल टू 112, ठीक है। कर सकते हैं कि नहीं, ए की वैल्यू लाए और यहाँ पे ए की वैल्यू हमने पुट कर दी, ए की जगह पे 196 बाई बी हमने रख दिया। अब यहाँ पे होगा क्या, बी स्क्वायर इंटू बी अपॉन में 196 इज इक्वल टू 112 हो जाएगा, बिल्कुल होना चाहिए। अब यहाँ से क्या आ गया, बी क्यूब इज इक्वल टू 112 इंटू 196, ठीक है। तो बी विल बी इक्वल टू क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं क्यूब रूट, 112 इंटू 196। अब यहाँ पे तुम्हारा 112 को कैसे ब्रेक कर सकते हो, 112 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 इंटू 14, और 196 तो ऑलरेडी 14 का स्क्वायर यानी 14 इंटू 14। अब देखो क्यूब रूट में, स्क्वायर रूट में 2 का पेयर, तो क्यूब रूट में 3 का, तो कितना आंसर आ जाएगा, बी की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 28, 14 टू जा 28 आ जाएगी। तो अब ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 196 अपॉन में 28, तो ये कितनी बार में जाएगा, 8 वन जा 8 7 जा, तो ये 7 टाइम्स में, यानी ए की वैल्यू 7 आ गई और बी की वैल्यू 28 आ गई। बिल्कुल सेम प्रोसेस से नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट पार्ट इसका 8th का, तो 8th का सेकंड देखते हैं। इसमें भी लेट ए एंड बी बी द टू नंबर्स, ठीक है। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या फिर अकॉर्डिंग टू कंडीशन कह सकते हो आप, क्या हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ पे इस वाले में दिया हुआ है मीन प्रोपोर्शनल दैट इज इक्वल टू 18 दिया हुआ है, और थर्ड प्रोपोर्शनल कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 144 दिया हुआ है। तो मीन प्रोपोर्शनल का मतलब रूट ए बी इज इक्वल टू 18 दिया है, तो ए बी इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 324। अब यहाँ से भी ए की वैल्यू निकालेंगे तो 324 अपॉन में बी हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड प्रोपोर्शनल 144 यानी बी स्क्वायर अपॉन में ए इज इक्वल टू 144, बी की जगह पे बी ही स्क्वायर रखेंगे और ए की जगह पे क्या रख देंगे, ए की वैल्यू यहाँ से लेके आएंगे 324 बाई बी दैट इज इक्वल टू 144। अब यहाँ से भी वही होगा, बी स्क्वायर इंटू बी इज इक्वल टू 144 इंटू 324। अब ये 18 का स्क्वायर है और ये 18 से कितनी बार में जाता है, इसको मल्टीप्लाई करके करें तो 466 आता है, 466 और ये किधर कितना हो जाएगा, बी क्यूब, और ये किसका क्यूब है, ये क्यूब है तुम्हारा 36 का, ठीक है। तो देयरफॉर बी की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 36 आ गई। अब यहाँ पे बी की वैल्यू पुट करेंगे तो देयरफॉर ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 324 अपॉन में 36, और ये कितने टाइम में जाएगा, 1 जा 9 जा, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9, ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू 36 आ गई। तो 9 एंड 36 आर द नंबर जिनका मेन प्रोपोर्शनल 18 आएगा और थर्ड प्रोपोर्शनल 144 होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास कि p प्लस आर इज इक्वल टू 2q,
पहले से दिया हुआ एक कंडीशन, और वन बाई क्यू एंड वन बाई क्यू प्लस वन बाई एस इज इक्वल टू टू बाई आर। तो प्रूफ करना है कि पी इज टू क्यू इज इक्वल टू क्यू वो आर इज टू एस, या फिर पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस, कुछ भी प्रूफ करना है आपको, ठीक है, कि ये प्रोपोर्शनल में है, ये चारों जो है प्रोपोर्शन में है। तो इसी को लेते हैं, ये जो दिया हुआ है आपको वन बाई क्यू प्लस वन बाई एस इक्वल टू टू बाई आर। अब क्वेश्चन नंबर नाइन में तुम्हें दो चीज़ें दी हुई हैं। पहली चीज़ तो दिया हुआ है कि पी प्लस आर इज इक्वल टू टू क्यू, ठीक है। इसके अलावा दिया हुआ है कि वन बाई क्यू प्लस वन बाई एस इज इक्वल टू टू अपॉन में आर। इसी को सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम में क्या होगा तुम्हारा, क्यू एस, एस इधर मल्टीप्लाई होगा और क्यू इधर, एस प्लस क्यू इज इक्वल टू टू बाई आर। आर मल्टीप्लाई में ले जाएं तो एस प्लस क्यू इज इक्वल टू टू क्यू एस हो गया, ठीक है। अब आपको जैसा कि पता है ये जो टू क्यू दिख रहा है, इस टू क्यू की वैल्यू आपको पता है, देखो टू क्यू की वैल्यू पी प्लस आर है, तो आर एस प्लस क्यू, और यहाँ पे 2q की जगह पे लिख देंगे हम p प्लस आर, ठीक है, इंटू एस। ये कहाँ से आया, फ्रॉम फर्स्ट, इसको लेके आया फर्स्ट से। अब यहाँ पे क्या करो, अभी कॉमन तो है नहीं, तो अभी यह मल्टीप्लाई करो, आर एस प्लस आर क्यू इज इक्वल टू पी एस प्लस आर एस। अब आर एस आर एस दोनों तरफ मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये आर एस आर एस से कैंसिल हो गया, तो आर क्यू इज इक्वल टू पी एस हो गया। तो देयर फोर इधर लिख देंगे पी के नीचे क्यू और इधर आर के नीचे एस, पी बाई क्यू इज इक्वल टू आर इज टू एस। तो देयर फोर तुम्हारा क्या हो गया, पी इज टू क्यू इज इक्वल टू आर इज टू एस, हो गया प्रूफ्ड, काफी सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है कि b इज मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन a एंड c, a और c दो नंबर है, उनका मीन प्रोपोर्शनल b है। प्रूफ करना है कि a c a स्क्वायर b स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर जो है वो प्रोपोर्शनल में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, सिंस b इज, b क्या है, मीन प्रोपोर्शनल किसके बीच में, बिटवीन ए एंड सी, तो देयर फोर ये तो फॉर्मूला ही है कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, ये चीज आपको मिल गई। अब नाउ ए कॉमा सी कॉमा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रूफ करना है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल में है तो ये चारों के चारों प्रोपोर्शनल में होंगे, ठीक है, ये चारों प्रोपोर्शनल में होंगे इफ ये जो ए और सी है इनका प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा किसके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के, ठीक है। ए बाई सी अगर इक्वल हो जाए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर के, ठीक है, चारों प्रोपोर्शनल में है तो होना क्या चाहिए, ए बाई सी के इक्वल आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहां पे इसी में है ना, ए बाई सी को अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इधर वाले को देखते हैं, आरएचएस को, आरएचएस में ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर दिख रहा है, बी स्क्वायर की जगह पे ए सी लिख सकते हैं, लिख दो, या फिर से ए सी लिख सकते हैं, बी स्क्वायर यहां भी दिया हुआ है तो यहां भी ए सी लिख सकते हैं, लिख दिया मैंने। अब देखो इनमें हो क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए सी, ए कॉमन है तो ए प्लस सी आया, और यहाँ पे देखो यहाँ पे सी कॉमन है तो ए प्लस सी यहाँ भी आ गया, ठीक है, सी कॉमन तो ए प्लस सी, और यहाँ भी ए प्लस सी कट गया। अब देखो एल एच एस ए बाई सी, आर एच एस भी ए बाई सी है ना, तो विच इज ट्रू, देयर फोर therefore क्या हो गया, ए सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आर
इन प्रोपोर्शन। कंफ्यूज नहीं होना, अगर ये चारों प्रोपोर्शन में है तो a बाई सी इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस अपॉन में बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो a बाई सी इक्वल होना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। ये जो RHS वाला पार्ट है ये हमने इक्वल प्रूफ कर दिया a बाई सी विच इज इक्वल टू LHS। तो RHS LHS के इक्वल है, इसका मतलब दोनों प्रोपोर्शन में है। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है कि इफ x प्लस 7 इज द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन x प्लस 3 एंड x प्लस 12। अगर x प्लस 7 मीन प्रोपोर्शनल है x प्लस 3 और x प्लस 12 के बीच में तो वैल्यू फाइंड करके दिखाओ x की। क्वेश्चन नंबर 11 है, सिंस x प्लस 7 इज मीन प्रोपोर्शनल, वो भी बिटवीन किसके, x प्लस 3 एंड x प्लस 12। अगर x प्लस 3 और x प्लस 12 के बीच में ये मीन प्रोपोर्शनल है तो देयर फोर बी स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यानी x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 12। ठीक है, ये बात समझ में आई, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। स्क्वायरिंग करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 27 जा 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए सी टू ए बी। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स प्लस 3 एक्स प्लस 36। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 14 एक्स प्लस 49 इज इक्वल टू 15 एक्स प्लस 36। तो यानी कि 15x माइनस 14x इज इक्वल टू 49 माइनस 36। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारे पास, 13, और यही आपको फाइंड आउट करना था। क्वेश्चन नंबर 12 है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन में ए बी प्लस सी डी अगर इक्वल है ए बी प्लस सी डी अपॉन में बी स्क्वायर डी स्क्वायर के, तो प्रूफ करना है कि a बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, या फिर कह सकते हो कि ए बी सी डी प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है। ठीक है, सेम ही बात है, ए बी सी डी को हमको प्रोपोर्शन में लेके आना है। क्वेश्चन नंबर 12, और दिया हुआ क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, इधर अपॉन में दिया है तुमको ए बी प्लस सी डी और इधर दिया है बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और ए बी सी डी प्रोपोर्शन में प्रूफ करना है। सबसे पहला स्टेप क्या करो कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दो बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर से, और इस साइड में ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई कर दो आप ए बी प्लस सी डी से। तो ये तो जहाँ तक लग रहा है ए बी प्लस सी डी और ए बी प्लस सी डी, तो ये ए बी प्लस सी डी का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू होल स्क्वायर ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस टू ए बी सी डी, यही होगा, ए बी तो होल स्क्वायर सी डी तो होल स्क्वायर और फिर टू ए बी इंटू सी डी, तो टू ए बी सी डी। ठीक, अब यहां पे देखो करना क्या है तुमको, ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और इधर भी सी स्क्वायर डी स्क्वायर, तो यानी कि ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए बी सी डी। ठीक ही है, तो यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया ना, इधर भी सेम चीज़ था तो कैंसिल कर दिया, इधर आता तो भी माइनस होके कैंसिल होता। ये देखो, इसको हम ए स्क्वायर डी स्क्वायर है ना प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर है माइनस टू ए बी सी डी इधर ही लेके आ जाते हैं इक्वल टू जीरो। अब ये देखो, ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और वैसे भी टू ए बी सी डी आपस में लड़ेगा तो। ठीक, तो देयर फोर
ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू, ये जो स्क्वायर है उधर रूट लगाएगा कुछ नहीं होगा, जीरो ही आएगा। तो देयर फोर ए डी इज इक्वल टू बी सी, यानी ए बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी। यहाँ पे हो गया तुम्हारा प्रूफ। तो ये एक्सरसाइज ओवर हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6B में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।